इस्लामी नजरियाती काउंसिल के दो रोज़ा इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन मौलाना मोहम्मद खान शिरानी ने कहा कि काउंसिल के पास हुकूमत को इस्लामी तालीमात पर अमल दरामद के लिए मशवरा देने का हक हासिल है। आइंदा काउंसिल इजलास की तमाम कार्रवाई सिफारिशात हुकूमत को भिजवाई जाएंगी। बच्चों पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए बिल तैयार कर लिया है। पिछली दफ़ा जब हमने घरेलू तशद्दुद वाले बिल पे जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आप सब ने देखा कि काउंसिल के मेंबरान मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे। कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैंने उसके पसे पुष्ट बात की थी। मौलाना मोहम्मद खान शिरानी का कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के हकूक निस्वां बिल गले सड़े थे जिन्हें मुस्तरद कर दिया। आइंदा के लिए हर इजलास की कार्रवाई के नतीजे में सिफारिश हो या कानूनी ड्राफ्ट फौरी तौर पे हुकूमत के पास भेजी जाएगी। मौलाना मोहम्मद खान शिरानी ने इस अमर पर भी अफसोस का इजहार किया कि मगरिब की रहनुमाई कबूल कर ली जाती है लेकिन उनकी नहीं। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ गोहर मसूद 24 न्यूज़ इस्लामाबाद।